वेलकम टू मैथ क्लास चैनल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हमने स्क्वायर फाइंड करना है इस नंबर का तो बहुत इजी है हमारे पास क्या करेंगे सबसे पहले तो हम इस नंबर को राइट करेंगे इसके ऊपर स्क्वायर राइट कर लेते हैं अब हमने इसका सिंपल स्क्वायर इस तरह से भी कर सकते हैं लेकिन हमने इस तरह करना नहीं है मतलब आंसर चेक करने के लिए कर सकते हो आप कि सेवेंटी वन का स्क्वायर का क्या मतलब है सेवेंटी वन इंटू सेवेंटी वन जो आंसर होगा वो आपको आंसर रिक्वायर होगा कि वो आपने लाना है लेकिन आपने करना है इस तरह से आइडेंटिटी से तो सेवेंटी वन का राउंड ऑफ करो तो तकरीबन क्या बनता है हमारे पास राउंड ऑफ करने से सेवेंटी बनता है ठीक है हम सेवेंटी अगर इधर राइट कर लें और सेवेंटी में से हम क्या माइनस करेंगे सेवेंटी वन आ जाए माइनस नहीं ऐड सेवेंटी में क्या ऐड करेंगे सेवेंटी वन आ जाए वन समझ आ गया तो वो इस तरह से फिर आपने कर लेना जैसे यहाँ पर देखो आपके पास एटी सिक्स अब एटी सिक्स को राउंड ऑफ करो तो क्या बनता है नाइन्टी अब नाइन्टी में से हम कितने माइनस करेंगे एटी सिक्स आ जाए क्योंकि ऐड करेंगे तो तो ज़्यादा आता जाएगा हमें तो एटी सिक्स चाहिए तो नाइन्टी में से हम फोर को माइनस करें तो एटी सिक्स था तो यहाँ पर यह था कि सेवेंटी वन था राउंड ऑफ करके सेवेंटी आता है सेवेंटी में क्या ऐड करें सेवेंटी वन आए तो वन तो इसको क्योंकि ऐसी कंडीशन होती है ना कि ये है तो इसको हम सॉल्व करें तो हम कहते हैं ये है आ गया हमारे पास तो अब ये है तो हम इस तरह से राइट कर सकते हैं तो ये बिल्कुल कर सकते हैं बिकॉज हमें आइडेंटिटी के थ्रू इसको सॉल्व करना आइडेंटिटी ये है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ये होता है फॉर्मूला ये हम जो है ना इधर अप्लाई करेंगे कैसे ये समझ लो ए है फिर प्लस का साइन है और ये बी है तो इसका मतलब ये बी है और इसका होल स्क्वायर तो ये होल स्क्वायर तो ये जो सेम है ये ये कंडीशन है ना तो जब ये ओपन करो तो ये आता है तो हम इसको भी ओपन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास अब हमने इसको इस तरह से बनाना है कैसे बनाएंगे तो आप सिंपल बताएँ क्या करो इधर ए और इधर बी राइट कर लो छोटा छोटा सा फिर आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे अब आपके पास फॉर्मूला ओपन है वैसे वैसे दे पुट करते सॉ राइट करते जो ए स्क्वायर है तो ए आपके पास सेवेंटी सेवेंटी राइट कर दो ए के ऊपर स्क्वायर भी है तो सेवनटी के ऊपर स्क्वायर राइट कर दो फिर प्लस का साइन आ जाएगा फिर टू फॉर्मूले का आ जाएगा आपके पास फिर ए आपके पास क्या है सेवेंटी वो पुट कर दो फिर बी आपके पास क्या है वन वो पुट कर दो फिर प्लस बी स्क्वायर है तो बी आपके पास वन है तो वन का स्क्वायर आ जाएगा अब आपने याद रखना है कि इनके बिटवीन कोई साइन नहीं है तो इधर कोई साइन नहीं लगाना है ठीक है ए स्क्वायर के बाद लगाना है फिर टू ए बी वैसे ही आ जाएगा ब्रैकेट में सारा कुछ प्लास प्लास और प्लस का प्लस और बी इधर फिर अभी ओपन कर लेंगे सेवनटी का स्क्वायर का क्या मतलब है मैं तो शॉर्टकट कट फेम इसको इस तरह से करती हूँ कि सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन होता है वो राइट कर लो और जीरो का सेवन का स्क्वायर का क्या मतलब है सेवन इंटू सेवन फोर्टी नाइन और जीरो का स्क्वायर मतलब टू टाइम जीरो या डायरेक्ट सेवेंटी का स्क्वायर राइट करो सेवेंटी इंटू सेवेंटी वो भी यही आ जाना है अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे टू इंटू सेवन फोर्टीन साथ में फ़ोटीन को वन से फोटीन ही आ जाएगा सात जीरो का जीरो या इन सब को मल्टीप्लाई करो तो तब भी वन फोर्टी आना है प्लस वन का स्क्वायर का मतलब है वन इंटू वन वन आप इनको एड कर देंगे फोर नाइन ज़ीरो ज़ीरो में वन फोर्टी और साथ में वन क्या आएगा वन फोर फाइव ज़ीरो फोर वन ओके okay, जी तो ये हमारे पास आंसर आ गया इस तरह से सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को होप सो अच्छे से समझ आ गया होगा कहीं से नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो इसके जो ये क्वेश्चन और भी मैंने वीडियोज़ बनाई हैं आप जाके देख सकते हो प्ले से ए क्लास एन सी आर टी के नेम से प्लेस्िस्ट है वहां आप पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक